अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एक लेक्चर हो गया था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पर अपनी चर्चा चल रही थी। एक उदासीन धात्विक गोले से बताए भाई, किसी को भी दिक्कत तो नहीं आ रही है? आंसर बताइए, आंसर बताइए, कहां है सब लोग? आ जाओ, आंसर बताओ। तो क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्यू बराबर एनी, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? 10 to the power 40। राहुल श्रीवास जैन बालक, तो ई 1.6 -19, तो कितना बचेगा? ये कल करा चुके थे बेटा, -5, 16, -6 लिख सकते हैं इसको। इसके साथ प्लस लगा दो, प्लस क्यों? इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो प्लस आएगा, माइक्रो, +16 माइक्रो कूलम, ये आएगा। भानुदाकर सोमराज ए, और बताइए, और सब लोग आंसर लिख दिया करें भाई, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं और आंसर दें। गिरिराज कुशवाहा ए, और बताइए, क्यू बराबर एन ई। धर्मवीर कुशवाहा का आंसर आ गया ए। अंकित भदौरिया ए। राहुल श्रीवास ए हो गया। ब्रजेश बघेल जैन बेटा, ठीक है, सब लोग एक बार ही आंसर देंगे। अब नेक्स्ट, अब ये बात हो गई थी थोड़ी सी, अब बात कॉन्सेप्ट की कर ले अपन। तो आप लोगों ने एक तो ये फॉर्मूला सीख लिया था, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगर हम ये क्यू वन क्यू टू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पर हैं, तो फोर्स आया था इनके बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था एयर और वैक्यूम के लिए, वायु निर्वात के लिए के वन, लेकिन अगर अपन इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक को एफ डी से लिख दिया, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन करें, गुरुत्वाकर्षण बल से, एम वन एम टू और ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एम बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। वाटर के लिए 81, बहुत बढ़िया बेटा ब्रजेश, हाँ बिल्कुल बेटा, सारी क्लासें भेज देंगे ग्रुप पे। अब कैपिटल जी की वैल्यू याद रखना आप लोग, अब इसकी वैल्यू से आप समझ सकते हैं ये कितना कमजोर है, और इसकी वैल्यू देखो ये कितना दमदार है, और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड है। तो एक तरफ लिख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या स्टार पॉइंट बना के लिख लें, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत और दूसरी तरफ लिख लें ग्रेविटेशनल
गुरुत्वाकर्षण इसके साथ अपन कैसा नेचर रखेंगे, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। ये हमेशा एट्रैक्टिव केवल आकर्षित। इधर लिखे वीक कमजोर, नहीं ये तो दमदार है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, और इधर लिखे कमजोर वीक। इधर लिखे डिपेंड्स ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। माध्यम पर निर्भर नहीं, लिखिए डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर नहीं। ये कहता है कमजोर वीक, ये कमजोर है। अवनीश कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, अमन ये बेटा सिमिलैरिटी जब भी बताएंगे डिफरेंस बताएं। और दमदारी की पूछी जाए कितना दमदार है तो वो भी बता रहे हैं हम। दमदारी देखी जाए तो कितना दमदार है ये अपन देख रहे हैं अभी। दुर्गेश बेटा गुड मॉर्निंग, वोट करते जाए बेटा दुर्गेश। कितना दमदार है तो हमने दो इलेक्ट्रॉनों को रख के देखा और हम क्या देखते हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखा तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से दस की घात 43, 43 याद रखना 43। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेते हैं ईपी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 10 की घात 39 आता है, और पीपी लेते हैं पीपी प्रोटॉन प्रोटॉन तो 36 का आंकड़ा आता है दोनों में, पीपी 36। शेको उल्टा कर दिया तो 39 हो जाएगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं अमन सिंह बेटा दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, कोई शॉर्ट रेंज नहीं है, दोनों ही लॉन्ग रेंज है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। यहां से फोन आप अमेरिका भी लगा दोगे तो याद रखना। कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बटे ग्रेविटेशन इसके लिए देखें 43, इसका उल्टा पूछेंगे तो क्या इनको याद कर ले। हाँ
बताइए ई ई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ईपी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पीपी पीपी प्रोटॉन प्रोटॉन नरोत्तम राजपूत समझ नहीं आया बेटा ये याद करना है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से दमदार है आपको अभी ये पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन से कम मजबूत है कितना मजबूत है तो दो इलेक्ट्रॉनों को कुछ दूरी पर रखते हैं तो 10^43 गुना और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखते हैं तो 10^39 गुना और प्रोटॉन प्रोटॉन को रखते हैं तो 10^36 गुना याद रख लें कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को टाइम लगेगा चलो हम एक कैलकुलेशन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए कर देते हैं 9 × 10^9 Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए का स्क्वायर करना पड़ेगा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा अपन आर स्क्वायर ऐसी एफ ग्रेविटेशन निकाल दो और सॉल्व कर लो डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट याद करना इसको याद कर लेना डायरेक्ट पीपी 36 ठीक है नरोत्तम याद करना बेटा तो याद कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^43 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए 10^39 गुना प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए 10^36 गुना हाँ अब सिमिलैरिटी देखें देखो दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में आएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में आएगा विक्रमबर्ग का नियम दोनों में आएगा दोनों बोथ आर कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों संरक्षी आगे डिटेल में चर्चा होगी संरक्षी की सेंट्रल फोर्स है बोथ आर म्यूचुअल सेंट्रल दोनों अन्योन्य है अन्योन्य मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे Q1 Q2 पर केंद्रीय है केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेंगे केंद्रीय विकास श्रीवास इतना फास्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है विकास आज पहली बार देख रहे बेटे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चिंता ना करें बोथ आर कंजर्वेटिव बोथ आर म्यूचुअल और सेंट्रल फोर्स अभी समझा रहे हैं चिंता ना करें दोनों वैक्यूम में भी लगते हैं दोनों निर्वात में भी लगते हैं तो ये इनकी सिमिलैरिटीज है एफ जी वनिष्ठ बन नहीं आएगा बेटा वनिष्ठ बन नहीं आएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेंगे तो 10^43 आएगा ये याद करना है प्रोटॉन के लिए पूछेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए 39 अभी याद करवाया था प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए 36 ये याद करना है इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अभी बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए एफी बटे एफ जी सोमराज वरिष्ठ पर नहीं होगा 43, 39, 36 याद रखें 43, 39, 36 याद रखें 43, 39, 36 याद रखेंगे 43, 39, 36 याद रखें तो कौन दमदार है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दमदार है दोनों निर्वात में भी लग जाएंगे दोनों ही लग जाते हैं दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स लंबी दूरी तक कार्य करते हैं दोनों ही कैसे लॉन्ग रेंज
ये दोनों के लिए बात सही चल रही है, लॉन्ग रेंज लंबी दूरी तक कार्य करते हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज है, लंबी दूरी तक लंबी दूरी तक कार्य करेंगे। दोनों ही लॉन्ग रेंज बोर से लंबी दूरी तक याद क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^43 गुना, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखोगे 39 गुना, प्रोटॉन को रखोगे 36 गुना। तो सबसे दमदार फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है कूलम्ब, फिर आता है मैग्नेटिक, फिर आता है ग्रेविटेशनल। नाक कान मुगला, तो न्यूक्लियर याद रखने के लिए नाभिकीय सबसे दमदार होता है, ये नाभिक के अंदर लगता है, नाभिक के अंदर का काम इसका है कूलम्ब फोर्स, कूलाम बल। मैग्नेटिक चुंबकीय बल, और ये एफजी ग्रेविटेशनल। मतलब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण सबसे वीक आ रहा है। अभिषेक इंग्लिश की क्लास 9 बजे से होती है, फिर फिजिक्स की आती है बेटा, क्लास सब चलती है 9 बजे इंग्लिश हो गया है। लिख ले नाक कान मुंह गले को, लिख ले न्यूक्लियर फोर्स सबसे दमदार है, फिर कूलाम फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों को अगर एक ही बोल दें कूलाम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें ये वाला शॉर्ट रेंज है, ये वाला शॉर्ट रेंज है, नाभिक के अंदर ही लगता है, शॉर्ट रेंज है, और सब लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है। निम्न परास माने नाभिक के अंदर ही कार्य करेगा, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना वो किसकी वजह से है, इसी की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से घूम रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से घूम रहे हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से घूम रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स, सबसे दमदार न्यूक्लियर फोर्स, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए आप जो सीखे, दो चार्ज रख लिए थे हमने Q1 Q2 r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच फोर्स आया इतना 1/4π0K Q1 Q2 r2, इतना फोर्स आ गया था, 1/4π0 की वैल्यू भी पढ़ी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, पूरा बोल दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भैया। यदि हमने एक क्यू चार्ज लिया, इससे आर डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज ले लिया, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षित आवेश, इसने इसको धक्का मार दिया। जैसे ही यहां पर आया इस टेस्ट चार्ज को धक्का मार दिया, इसको धक्का मार दिया, पुश कर दिया, धक्का मारा,
या रिपेयर किया, धक्का या प्रतिकर्षित, तो भैया इसके क्षेत्र में, तभी तो इसमें धक्का मार दिया। कितने फोर्स से धक्का मारा वही फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका ही नाम क्या देंगे, फील्ड। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और फील्ड का यूनिट, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखा न्यूटन पर कूलम। और इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो इसमें वेक्टर भी लगा देना, एफ वेक्टर, क्यू पर वेक्टर मत लगाना क्योंकि आवेश, आवेश में अदिश छुपा हुआ है, आवेश आसे, आवेश आसे अदिश, एक जैसे शब्द हैं। चार्ज कैसा होता है, स्केलर। जिन पे दो निशान लगे हैं वो याद रखने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये देखिए Q और ये Q0, डायग्राम बना लो, ये Q और Q0 डायग्राम बना भाई। जिनको कम समझ में आ रहा है, एक दो क्लास लेने पर ही समझ में आने लगेगा, एक दो क्लास तक पेशेंस रखें। अब देखिए आपने जो सीखा वो क्या सीखा वो देखिए, ये हमने एक क्यू चार्ज लिया और ये कुछ नहीं मानेंगे तो प्लस होगा, और ये हमने टेस्ट लिया परीक्षित आवेश, और इसने इसको धक्का मार दिया, इसने इसको पुश कर दिया, धक्का मार दिया। अगर ये माइनस क्यू होता तो क्या इसको धक्का मारता, नहीं इसको पुल करता, खींचता, अट्रैक्ट करता, ये इसको रिपेल किया था, प्रतिकर्षित, और इसको आकर्षित। जितने फोर्स से किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बटे क्यू। अब एफ की वैल्यू लिख दीजिए, मान के चलो इनके बीच का डिस्टेंस आर है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है आर है, तो एफ की वैल्यू लिख दीजिए Q1 Q2 कीजिए अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। ये देखिए तो E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला बनाइए सब लोग, सब लोग फॉर्मूला बना लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिए सब लोग। डाइइलेक्ट्रिक अगर के लिखना है तो कहां लिखेंगे, यहां। फॉर्मूला बना लीजिए सब लोग डाइइलेक्ट्रिक, जो एफ का फॉर्मूला था Q1 Q2 upon R square, तो यहां पर जो फॉर्मूला बना, E का फॉर्मूला आपने याद किया Q upon R square, E inversely proportional R square। कभी कभी आपको एक शब्द मिलेगा पॉइंट चार्ज,
जब ये दूरी ज्यादा हो और ये छोटा हो, दूरी के कंपैरिजन में इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। जिनके पास पहले के नोट्स है वो भी नोट्स बनाएंगे, नोट्स सब लोग बनाया करें। नोट्स जिन्होंने पहले बना चुके वो भी दोबारा नोट्स बनाएंगे। तो ये पॉइंट चार्ज ही है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे टावर लगा होता है, मोबाइल आप कहीं पे भी ले जाते हैं, कितना दूर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का डिस्टेंस भी बहुत होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एफ का न्यूटन, चार्ज का कूलाम, तो न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो अपन ने सीखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज समझ गए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो हमने क्यू चार्ज लिया, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिखा। यहां पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो कितना आ गया, आपने याद किया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम भी निकालेंगे इस पॉइंट पर भी, तो एक आर कम आएगा। अभी कैलकुलेट करके बता देते हैं भी क्या है। भी को बोलते हैं पोटेंशियल, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा ई बराबर भी बटे आर। दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ई बराबर भी बटे आर। V का यूनिट तो आप जानते हैं वोल्ट पर मीटर, E के दो यूनिट हो गए आपके पास, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट अपॉन मीटर। लिखे दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, वोल्ट अपॉन मीटर, तो E के दोनों यूनिट लिख ले, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट अपॉन मीटर। जिनपे डबल निशान है वो याद करना है, ध्यान रखना इसमें R है केवल स्क्वायर नहीं है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, जबकि भी कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। भी का नाम क्या है, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी समझाएंगे इसको। भी क्या है, आकाश पुष्पा, भी पोटेंशियल है, विभव है। जिन पर ये डबल निशान लगे रहते हैं वो याद रखने की कोशिश करना है, वो आपको बार बार लिखाए जाएंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल होता क्या है, तो आप देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखिए, विद्युत विभव, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाए, जो वर्क करना पड़ा उसे कहते हैं पोटेंशियल। तो अपन क्या कहेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से ला रहे हैं कोई भी चीज को, इन्फाइनाइट से लाएंगे। अगर धरती पर कोई पत्थर पड़ा है कहां से आया, अनंत से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन फील्ड इन इलेक्ट्रिक। परीक्षित आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कहा। क्या केवल अपन एक लेक्चर ही देखते हैं तो अपन को कम समझ में आता है, लेकिन अगर उसके अपन चैप्टर के दो तीन लेक्चर देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो इनफाइनाइट से ला रहे ये टेस्ट चार्ज को, अब अपन किसी के फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। तो जबरदस्ती यहां बांध के रख दिया इसको, इसने इसको धक्का मारा, लाने में वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसको धक्का मार रहा है। इसको क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है। भाई आप बस में बैठे हैं तो आपके पास कोई पैसेंजर आएगा आप क्या करेंगे, उसे दूर कर देते। तो जबरदस्ती अपन ने यहां रख दिया, तो जो वर्क करना पड़ा कितना वर्क करना पड़ा, W अपॉन Q0 F इंटू R बटे Q0। F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा छोटा लिख दिया हमने इसको, पोटेंशियल विभव। ये प्लस क्यू आवेश ने धक्का मार दिया, एफ की वैल्यू आप जानते हैं क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर और ये क्यू जीरो कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास फॉर्मूला आ गया क्यू अपॉन आर। जो फॉर्मूला बना हमारे पास क्यू अपॉन आर, लिख लीजिए Q अपॉन R, ये फॉर्मूला बना। V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के Q अपॉन R। अब यही क्लास जब लेते हैं आप कल भी देखेंगे जो न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपको ये फॉर्मूले जब रिवाइज कराए जाते हैं तो याद होने लगते हैं। नोट कर लिया, डेरिवेशन से मतलब नहीं आपको, आप तो इसको लिखें W अपॉन क्यू जीरो और इसको
ब्रजेश बघेल नोट हो गया, आकाश कुशवाहा नोट हो गया बेटा। तो देखिए जो चीज अपन ने सीख ली, एक फॉर्मूला सीखा था Q बराबर प्लस माइनस एनी, एक फॉर्मूला सीख लिया ये वाला, एक फॉर्मूला E का, एक फॉर्मूला B का, एक फॉर्मूला इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एक फॉर्मूला ये वाला सीखा, और एक फॉर्मूला सीखा आपने ये वाला। ये सबको एक साथ लिख लें सब लोग, और इसको लिखेंगे कैसे, वी को बोल्ट लिख दिया करें, डब्ल्यू को जूल लिख दिया करें, और क्यू को कूलाम लिख दिया करें। तो वोल्ट बराबर जूल अपॉन कूलाम, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। वोल्ट बराबर लिखते हैं जूल बटे कूलाम। एक बार फिर से सभी फॉर्मूले लिखेंगे, ये याद रखने हैं, डबल निशान का मतलब ही है याद रखने हैं। ये अपॉन का जरूर ध्यान रखना, किसमें क्या अपॉन में आ रहा है, फिर कई बार यही पूछ लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज के कारण है, पॉइंट चार्ज समझ गए, दूरी ज्यादा, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू जीरो, वी को वोल्ट लिख दो, वोल्ट जूल अपॉन कूलाम, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। लिख लिया ये सब, ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज समझ गए, डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू बहुत कम है, उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, दूरी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू बहुत कम है। अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अपन, ये देखिए यहां से देखिए, एक चालक पर इतना कूलाम पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक चालक पर इतने कूलाम पॉजिटिव चार्ज दिया है, क्वेश्चन पे ध्यान दें, बताइए सब लोग आंसर देंगे आप, प्रत्येक स्टूडेंट पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो उसने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, मतलब आपको यह तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है तो अधिकता नहीं हो सकती, सॉल्ट होंगे कमी होगी, कमी में से आंसर होगा, अधिकता वाले हटा दो, अधिकता वाले आंसर हटा दो, ब्रिजेश आंसर दे रहे हैं डी, सोमराज डी दे रहे हैं,
आदित्य तोमर डी दे रहे हैं, अमन सिंह डी दे रहे हैं। तो देखते हैं अपन आंसर, देखते हैं फाइनली आप लोग सही है क्या। क्यू बराबर एनी, क्यू कितना है 14.4 माइनस 19, ई 1.6 माइनस 19, ये ऐसे कर दीजिए 9 इलेक्ट्रॉन इन सॉल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन इन सॉल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन की कमी। धर्मवीर कुशवाहा, अंकित भदौरिया, बानु, प्रदीप, आदित्य, सब लोग सीख गए। आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। कमी क्यों आया समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बताइए एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, और हमने यूनिट सहित बताई थी। विकास श्रीवास एक्सप्लेन क्यू बराबर एनी, एन बराबर क्यू बटे क्यू दिया था, ई से डिवाइड कर देना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तुम्हारा विकास आज पहला टर्न है, कल तुम नहीं आए थे इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ देखिए एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पूछी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 / R। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पूछी है, एप्सिलॉन जीरो की F को न्यूट्रल लिख दो, Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, डिस्टेंस को मीटर लिख दो, इसको इधर ले जाओ तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और याद कैसे रखेंगे आपको ये Q1 Q2 / R² तो याद रहता ही है, इसमें न्यूटन आएगा, कूलाम स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब कौन कहां आएगा, न्यूटन में कभी स्क्वायर नहीं लगता। देखो आप एप्सिलॉन जीरो को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो उसमें सी नजर आएगा। वैल्यू तो याद कर लेना, एप्सिलॉन जीरो आयुष उपाध्याय सी बता रहे हैं, धर्मवीर सी, दुर्गेश डी बता रहे हैं, दुर्गेश शर्मा डी, अंकित भदौरिया सी बता रहे हैं, प्रदीप दाबर भी, अलग अलग आंसर क्यों बता रहे। अब देखिए एप्सिलॉन जीरो में सी नजर आ रहा है तो सी ऊपर लिख दो, एप्सिलॉन जीरो में सी नजर आ रहा है सी ऊपर रख दो, कूलाम स्क्वायर, ये तो आपको भी पता है कूलाम स्क्वायर आएगा, न्यूटन आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ऊपर कौन आएगा, कूलाम स्क्वायर। गिरिराज सी, आकाश सी बता रहे हैं, भानु सी, तो याद करने का तरीका समझ में आ गया, एप्सिलॉन जीरो में सी नजर आएगा, Q1 Q2 आपको याद रहता है, कूलाम स्क्वायर होता है, एफ याद रहता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मतलब मीटर स्क्वायर होता है। अब कौन कहां आएगा, एप्सिलॉन जीरो में सी नजर आ रहा है, कूलाम ऊपर आएगा, तो ये वैल्यू याद रखना। हाँ अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पूछते तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, एप्सिलॉन जीरो नीचे आ रहा है, न्यूटन पर तो स्क्वायर लगता नहीं है, तो सी नीचे, एप्सिलॉन जीरो में सी नजर आएगा। प्रशांत शर्मा सी बता रहे बेटा, समझ में आ गया, अगर ऐसा पूछा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, केवल एप्सिलॉन जीरो पूछा है तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन जीरो ये इधर इधर पहुंचा दो, इसको इधर ले जाओ, तो डायरेक्ट आप टिक कर देंगे इसको, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू याद रखेंगे 8.85 × 10^-12। बताइए एक चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कल बताया था ये कॉन्सेप्ट हमने, दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। बताइए प्रशांत बेटा आंसर बताइए, भानु आंसर लाओ, आकाश आंसर लाओ बेटा, गिरिराज आंसर लाओ। अमन आंसर लाओ बेटा, आयुष आंसर लाओ, राहुल आंसर लाओ। ये देखिए एक चार्ज क्यू को डिवाइड कर रहे हैं, क्यू और क्यू माइनस क्यू में इसको डिवाइड कर दिया, क्यू और क्यू माइनस क्यू में।
सोमराज ये बता रहे हैं डिवाइड कर दो क्यू और क्यू माइनस क्यू में, एक चार्ज कैपिटल क्यू को डिवाइड किया गया क्यू और क्यू माइनस क्यू में। ब्रजेश के सेकंड इज करेक्ट, सोमराज सब लाए आंसर। तो हमने आपको बताया क्या करना चाहिए, आधा आधा दोनों को दिया करो, इसको भी आधा दे दो आधा इसको भी दे दो। अब चाहे तो तुम इससे सॉल्व कर लो चाहे इससे सॉल्व कर लो, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए चार्ज का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, और चार्ज का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है जब दोनों चार्ज बराबर हो। तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू टू इज टू वन ए आ गया बेटा, ए आएगा कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू। सोमराज ए आएगा बेटा, प्रदीप ए तुम्हारा सही है, आकाश ए, गिरिराज ए, आदित्य बेटा बी क्यों आएगा, दुर्गेश बेटा ए आएगा, भानु ब्रजेश हाँ इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यू बाई टू करो ना, क्यू बराबर क्यू माइनस क्यू क्यों कर रहे हो, क्यू बाई टू करो ब्रजेश भाई, आधे तो चार्ज दोगे आधा आधा दोनों को दोगे। धर्मवीर पुष्पा ए, अंशु शर्मा ए, तो ये देखिए इसको q by 2 दे दीजिए, इसको भी q by 2 दे दीजिए, दोनों को q by 2 चार्ज दे दीजिए। बताइए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको आप याद भी रखेंगे, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ये आपको कई बच्चों को पहले से याद रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज विल बी, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, धर्मवीर भी बता रहे, ब्रजेश सी बता रहे, प्रशांत भी बता रहे, आदित्य तोमर सी, अलग अलग आंसर क्यों लाते हैं, अवनीश कुमार सी बता रहे हैं, और लाइए सब लोग आंसर लाया करो, सब आंसर देंगे अच्छा लगेगा। तो Q बराबर एन, Q कितना है ए कूलम, एन ई इसको डिवाइड कीजिए 19 लिख दीजिए या 10 लिखिए, डिवाइड कीजिए 6.25 × 10⁻¹⁸, 6.25। नीतेश बी बेटा, नीतेश रेगुलर रहे, आयुष उपाध्याय बी बता रहे, गिरिराज सी बेटा ये बेटा 1.6 इधर कैसे जाएगा, आपने -19 को +19 कर दिया ठीक है, 1.6 ऐसे किधर जाएगा, वो तो अपॉन में ही आएगा ना। आकाश जो सी बता रहे हैं वो ध्यान रखें, ये गलती कर रहे हो आप लोग, 1.6 को इधर पहुंचा रहे हो, 1.6 ऊपर जा ही नहीं सकता, अपॉन में जाएगा वो, इसमें आकाश सी बेटा गलत बता रहे हो तुम, बी आंसर सही है, और इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे सब लोग, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और इसमें यही गलती होती है जल्दी में बच्चे 1.6 को ऊपर ले जाते हैं, -19 + 19 वो ठीक है 1.6 नहीं जा सकता ऊपर। तो 6.25 × 10⁻¹⁸ बताइए, मीडियम के रख रहे हैं आकाश बेटा, इसका आंसर बताइए, नीतेश आंसर बताइए बेटा, आयुष आंसर लाइए, मीडियम के रख रहे हैं तो फोर्स आपको पता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, नीचे आता है तो कमजोर करेगा। बी दुर्गेश बी बता रहे हैं, अवनीश ए बता रहे हैं, ब्रजेश ए बता रहे हैं, सोमराज हाँ भाई कम हो जाएगा, के गुना कम हो जाएगा ना, के टाइम्स डिक्रीजेस हो जाएगा, एफ बाई के हो जाएगा ना। मीडियम क्या करता है, फोर्स को कमजोर करेगा, फील्ड को कमजोर करता है, पोटेंशियल कमजोर करता है। अभी तो आप फोर्स याद रख लें, चैप्टर में फील्ड पोटेंशियल के बारे में आगे चर्चा होगी, कैपेसिटी बढ़ाता था इनवर्सली है। प्रदीप ए बता रहे हैं, आकाश तो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज के टाइम। अब इसको आप बताइए, दो धातु के गोले हैं ए और बी,
ए को पॉजिटिव दे रहे हैं, बी को नेगेटिव दे रहे हैं, बराबर बराबर। अब बताइए किसका मास बढ़ेगा, अंकित भदौरिया? मास उतने ही रहेंगे, अंकित और गिरिराज ए आंसर दे रहे हैं। पहली बात तो आप पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव का क्या मतलब है? धनावेश का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भाई आप लोग जीएस की क्लास नहीं लेते हैं, कई बच्चे शाम को 5 बजे से 6 बजे तक होती है और काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। आदित्य, अवनीश, भानु, दुर्गेश, धर्मवीर, अंकित, गिरिराज, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जीएस की क्लास नहीं लेते हैं, जीएस की क्लास लिया करें भाई। तो धनावेश लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसमें धनावेश आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, पॉजिटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इसका मास तो कम हो गया पर इसका मास बढ़ गया। भाई इलेक्ट्रॉन का मास भले कम होता है लेकिन इतना होता है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। नेगेटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो आपको पता है ए का मास कम हो गया और बी का मास बढ़ जाएगा, डी हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। मास ऑफ बी इंक्रीज, मास ऑफ बी इंक्रीज, बी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। मास ऑफ बी इंक्रीज, बी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्योंकि बी को क्या दिया गया है, जबकि दूसरे अन्य गोले बी को नाम दे दो, इंग्लिश में तो दिया है, हिंदी में दे दो। तो ए का मास क्यों कम हो गया, समझ में आया? ए को पॉजिटिव नहीं, अवनीश कुमार डज नॉट डिपेंड ऑन मास नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ए पर पॉजिटिव आया मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए। ए का मास कम हुआ और बी में नेगेटिव आया मतलब बी में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो बी का मास बढ़ेगा भाई? कोई चीज जुड़ेगी तो मास नहीं बढ़ेगा। सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ए का मास कम होगा बी का मास बढ़ेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन मास नहीं कहेंगे। ए का मास कम होगा बी का मास बढ़ेगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी पे चले जाएंगे, ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी को चले जाएंगे, चलता इलेक्ट्रॉन ये है, ये हम कल करा चुके थे। बताइए दो मीडियम रख रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा? एक नया क्वेश्चन आया है, बताइए दो मीडियम रख रहे हैं तो फोर्स कितना आएगा? धर्मवीर ए, ब्रजेश वगैरह बता रहे हैं, सोमराज एफ बाई टू। भाई जितना मीडियम रखेंगे फोर्स उतना ही तो बीक हो जाएगा, एफ बाई टू, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदल दिया करें। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है बीक करने तो आया ही है, के रखोगे एफ बाई के हो जाएगा। अमित बघेल ए आंसर बेटा रेगुलर आ करें, आयुष ए, सोमराज हाफ, अवनीश ए, आयुष उपाध्याय, आदित्य, भानु, भानु बेटा सी क्यों बता रहे हो? डाइलेक्ट्रिक नाम ही है डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युतांक कम करेगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को। आगे आप देखेंगे हाँ कैपेसिटी को बढ़ाता है, आगे देखेंगे। पहले चार्ज दिया है +3 और +8, अब 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बाद में -5 ऐड कर दिया, इसको भी -5 दे दिया, इसको भी -5, तो ये आ जाएगा -2 और ये 3। अब फोर्स पूछा है एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2, पहले फोर्स है 40, बाद में कैलकुलेट करना, पहले चार्ज का प्रोडक्ट 24, अब चार्ज का प्रोडक्ट -6,
चार बार काट दीजिए, F2 बराबर माइनस 10 न्यूटन। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, धर्मवीर ए बता रहे हैं फाइव से अवनीश माइनस 10, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 लगाए भाई आदित्य। पहले चार्ज का प्रोडक्ट कितना आएगा 24, बाद में चार्ज का प्रोडक्ट कितना आएगा 6, डिवाइड कर दीजिए माइनस 10। एक और तरीका देखिए, पहले चार्ज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 24, प्लस 3 प्लस 8, चार्ज का प्रोडक्ट पहले कितना है 24, बाद में माइनस 2 और 3, अब चार्ज का प्रोडक्ट कितना है 6 माइनस 6, पहले 4 से 40 समानुपाती गुणा में डिवाइड कीजिए माइनस 1 बाई 4, ये आ गया माइनस 10 न्यूटन, माइनस 10 आ जाएगा। कितने गुना, गुना देखते हैं, टाइम्स, टाइम्स का पता कैसे पड़ता है, डिवाइड करके कितने गुना, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू, पहले चार्ज का प्रोडक्ट देखो बाद में चार्ज का प्रोडक्ट देखो, पहले चार्ज का प्रोडक्ट देखते हैं और बाद में चार्ज का प्रोडक्ट देखते हैं, बताइए। तो 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, बताइए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सर आ चुके हैं मैथ्स के लिए, तो Q बराबर एनी 10 टू द पावर 19, ये इतना होगा तो प्लस 1.6 कूलाम, तो प्लस 1.6 कूलाम, प्लस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे प्लस आएगा। तो आज की बात अपन यहीं तक रखेंगे।